मैं सबसे पहले अपने छोटे भाई परिनिर्वाण प्राप्त श्रवण कुमार जी को अपनी आदरांजलि अर्पित करते हुए याद दिलाना चाहता हूं कि 2008 में मुझे और पिपलायन जी को गाजीपुर में बुलाया गया था लटिया महोत्सव में। लटिया महोत्सव वहाँ की भाषा में लटिया कहते हैं लाट को, सम्राट अशोक के स्तंभ को, उस पर जो पर्व लगता है, मेला लगता है, उसको लटिया महोत्सव कहते हैं। और वो लगता है भारत के लेनिन जगदेव बाबू के जन्मदिन के अवसर पर 2 फरवरी को। प्रत्येक वर्ष मौसम बड़ा ख़राब होता है, बारिश भी होती है, सर्दी भी होती है, इसलिए कई बार मौका आया, निमंत्रण आया, पर जा नहीं पाए। वो लोग जब हमें आमंत्रित करने आए, वहाँ के कुशवाहा लोग, भाई इंजीनियर शत्रुघ्न कुमार शाक्य अपने साथियों के साथ, तो उन्होंने एक बात कही कि बोध जी, नालंदा विश्वविद्यालय के डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर सीएस उपासक चंद्रिका प्रसाद उपासक जी हमारे कार्यक्रम में गत वर्ष आए थे और उन्होंने ये कहा था अपने भाषण के मध्य कि ये जो दिवाली का त्यौहार है, ये बौद्धों का त्यौहार है, इसका संबंध सम्राट अशोक से है। तो इतना ही उन्होंने बताया था। तो फिर उन्होंने हमसे कहा कि आप हमारी मदद करें और ये जो दबा पड़ा त्यौहार है, ये जो ध्वस्त त्यौहार है, ये जो कब्र में दफन त्यौहार है, हम इसे पुनर्जीवित करना चाहते हैं, पुनरारंभ इसका करना चाहते हैं। तो ऐसी बात जब वो हमसे कह के गए, तो बात सुनकर हम अचरज में पड़ गए कि इतना कठिन काम, ना तो हम पुराविद हैं, ना हम बौद्ध साहित्य के बहुत बड़े विद्वान हैं, हाँ बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर और भगवान बुद्ध के एक विनीत विनम्र कार्यकर्ता जरूर हैं, मगर एक इत्तफाक हुआ। कई बार बड़े सुखद इत्तफाक होते हैं। वो क्या हुआ कि मैं एक श्रीलंका मूल का एक ग्रंथ है दीप वंश, उसको छापने के लिए उसकी प्रूफ रीडिंग में लगा हुआ था। उसको ग्रंथ को प्रूफ रीड करते करते हुआ क्या, जैसे अंधे के हाथ बटेर लग जाती है बगैर प्रयास के। अंधा बैठा है झाड़ी में निवृत्त होने के लिए, फारिग होने के लिए, और एक शिकारी से अपनी जान बचाने के लिए तीतर भागा भागा फिर रहा है और झाड़ी में आकर उस अंधे की गोद में बैठ गया। उस शिकारी को तो मिला नहीं जो उसे लेना चाहता था, मगर बगैर प्रयास के मुझे भी वो एक संदर्भ मिल गया। संदर्भ क्या था? संदर्भ ये था कि सम्राट अशोक ने जब तलवार त्याग कर भगवान बुद्ध की करुणा को तलवार से भी अधिक मजबूत तरीके से काम लेना शुरू किया, तो उन्होंने धम्म का वरण किया, बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। और बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने के बाद, बहुत लंबा प्रकरण है, एक समय ऐसा आया मोगली पुत्र तिस्स जो उनके दीक्षा गुरु थे, धम्म गुरु थे, एक तरीके से उनके राजपुरोहित भी थे, उन्होंने उनको कहा कि अगर आपको धम्म में अपनी स्थापना करनी है तो अपनी संतान को धर्म के नाम पर दान करो और भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध की स्मृति को चिरस्थाई गरिमा प्रदान करो। उन्होंने, भगवान बुद्ध ने 84,000 इस उपदेश दिए थे जिसको हम धम्म स्कंद कहते हैं। उनको उसमें 2000 उनके योग्य अनुयायियों के भी थे। सम्राट अशोक ने ऐलान किया, इत्तफाक है ये भी कि सम्राट अशोक के समय में इस देश में 84,000 नगर निगम गांव कस्बे थे, 84,000। सम्राट ने राजाज्ञा जारी की कि हर एक गांव में एक एक धम्म स्कंद का निर्माण होगा। धम्म स्कंद का मतलब कोई स्तूप बने, कोई चैत्य बने, कोई धम्म स्तंभ लगे, कोई शिलालेख लगे, कोई चिकित्सालय बने, पशुओं का भी बने, मनुष्यों का भी बने, प्याऊ बने, मनुष्यों के लिए भी बने, पशुओं के लिए भी बने, धर्मशालाएं बने, अनाथ आश्रम बने, विद्यालय बने, इस तरीके के धम्म स्कंदों का निर्माण
84,000 का समय तय किया गया, समय पूरा हो गया तो सम्राट अशोक के पास सब जगह से समाचार आए, ए राजन सब जगह दम स्कंदों का निर्माण संपन्न हुआ, अब आप इनका उद्घाटनोत्सव करें। सम्राट अशोक बड़े दूरदृष्टि थे, बड़े दूरदृष्टा थे, उन्हें मालूम था कि आज के दिन मेरे शास्ता भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध के प्रधान अनुयायी उनके धम्म सेनापति सारिपुत्र और मौगल्यायन में से जो बड़े थे मौगल्यायन, उनकी गंदे ब्राह्मणों ने निर्मम हत्या कर दी थी। वो दिन बौद्धों के लिए एक अफसोस का दिन था, एक घर में बैठकर रोने का दिन था, एक मातम मनाने का दिन था। सम्राट अशोक पराक्रमी थे, सम्राट अशोक कोई मामूली राजा नहीं थे, संसार के सबसे महान राजा थे। उन्होंने कहा ये मेरे धर्म पर एक कलंक है, ये जो हमारा गौरव बिंदु होना चाहिए, इसी दिन को जो शोक का दिवस है मैं इसे गौरव दिवस में बदलूंगा। और उसी दिन यानी कि कार्तिक अमावस्या की अंधेरी रात को दीपों से जगमग करके 84,000 धम्म स्तंभों का अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से उद्घाटनोत्सव करूंगा। तो साथियों ये जो दिन है आज का पवित्र दिन है, और जो लोग यहां बैठे हैं ये आंदोलन को और धर्म को चलाने वाले सारे के सारे समर्पित बौद्ध अनुयायी हैं, जो आगे पीछे ना देखकर अपना समय एक अच्छे काम के लिए समता बुद्ध विहार के आंगन में बिताने आए हैं। तो आज जो लोग इस बात की शंका करते हैं कि ये इन लोगों ने अपने घर में बैठकर गढ़ लिया, ये संदर्भ मैं उनके लिए श्रीलंका का ग्रंथ लाया हूं। वैसे मैं आज अपने साथ में वाल्मीकि रामायण भी लाया हूं, और अपने साथ में जिन्होंने उसका नाम भी नहीं सुना होगा अलबरूनी की भारत यात्रा वो भी लेके आया हूँ, अपनी छापी हुई भी लाया हूँ, और जो संतराम बी ने उसका अनुवाद किया था 1928 में छपी थी, उस 1928 की किताब जो 3 खंडों में है वो भी लेके आया हूँ, और उसका रिप्रिंट अब से 25 साल पहले जयपुर में हुआ था वो संस्करण भी लेके आया हूँ। मेरा आह्वान है इस भारत के सारे इतिहासकारों से, वो आए और आज आकर के प्रमाण देख लें, ये कोई बात मिथ्या आधारित नहीं है, ये कोई बात गप का गोला नहीं है, ये कोई बात शेखी बगारने के लिए नहीं कही गई है, ये बात कही गई है। मैं डॉक्टर साहब को निवेदन करूंगा आप प्लीज एक मिनट का शर्म दान दें। ये किताब है दीपवंश, ये देख लीजिए भाइयों, ये किताब आपको इंटरनेट पर भी मिल जाएगी, क्योंकि मेरे बपोती नहीं है, ये पाली में भी मिल जाएगी और इंटरनेट पर ही मिल जाएगी, थोड़ा सा पराक्रम करने की ज़रूरत है। इसमें 534-35 पर एक संदर्भ आया है, सारा संदर्भ तो बहुत बड़ा है मगर आपको ये दिखाने के लिए, क्योंकि गप का गोला नहीं है, ये कोई वर्तमान सरकार की तरह बनाया हुआ कोई ऐसे ही बबूला नहीं है, एक तथ्य है इतिहास सम्मत पुस्तक में से, और हमारे बहुत प्रमाणिक साथी पढ़ के अंतिम पैरा बताएंगे। प्लीज ये इतना सा यहाँ से पढ़ दीजिए, यहीं से कर दो, कोई और भी देखना चाहे आके देख सकता बाद में। इस तरह उस बालिक के बंधु भगवान बुद्ध ने इस गुरु वचन की 84,000 धम्म स्थानों से विभक्त कर प्राणियों पर अनुकंपा करते हुए उपदेश किया है। यह धर्म व्रत से उत्तम है, श्रेष्ठ है, संसार में अनायास ही मुक्ति दिलाने वाला है, सभी दुखों के क्षय करता मार्ग का द्योतक है, द्योतक है। यह सभी भय रोगों की अमृतुल्य औषध है। विहार निर्माण, राजा ने भिक्षु संघ के कहे हुए ये वचन सुनकर प्रमोद हर्ष युक्त हास्य मिश्रित सुख का अनुभव करते हुए अपने परिषद के सम्मुख ये वचन कहे। भगवान ने 84,000 धर्म स्तंभ कहे हैं तो मैं भी
संतों की स्मृति रक्षा के लिए एक एक रंग संघ के नाम एक एक विहार बनाता हुआ यह 84,000 संख्या पूरी करूंगा। आगे और दो दो तीन लाइन और हैं, ये और पढ़ो। राजा ने प्रस्तम कार्य के संपादन हेतु 96 करोड़ मुद्राओं का एक पृथक कोष स्थापित किया कर दिया और उक्त निर्माण हेतु उसी दिन राजाज्ञा भी प्रसारित करा दी। उस समय जम्बुदीप में 84 प्रसिद्ध नगर थे, अतः उनमें से प्रत्येक नगर में एक एक विहार बनाया। बाद में 3 वर्ष में यह निर्माण कार्य पूर्णतया संपन्न कराकर विहारों के निर्मित हो जाने के बाद इनके सम्मान में कार्तिक अमावस्या से पूजा सप्ताह मनाया। कार्तिक अमावस्या, इसको दोबारा पढ़ दो जरा, बच्चे सुन लेंगे। एक पैर बदले दो लाइन। बाद में 3 वर्ष में यह निर्माण कार्य पूर्णतया संपन्न कराकर विहारों के निर्मित हो जाने के बाद इनके सम्मान में कार्तिक अमावस्या से पूजा सप्ताह मनाया। कब से मनाया? आज क्या है? तो साथियों, ये ऐतिहासिक ग्रंथ है। जो लोग चर्चाओं में रहने की वजह से ऊट पटांग बातें करके अपने आंदोलन को खुद बाधा पैदा कर रहे हैं और कह रहे हैं, वो बात बताने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आम आदमी मूलतः भोला होता है और हमारे लोग तो बहुत ही भोले होते हैं। वो कह रहे हैं कि क्या बाबा साहब ने कभी मनाई थी दिवाली? जब बाबा साहब ने दिवाली नहीं मनाई तो हम क्यों मनाएं? तो बाबा साहब की बात कह करके ये बात कहने वाले लोग सुन लें। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के पास दिल्ली वाले गए 1950 की 14 अप्रैल को कि बाबा साहब दिल्ली के अम्बेडकर भवन पर आपके सम्मान में एक जन्म दिवस समारोह रखा गया, आप उसमें आए। बाबा साहब ने सबको लताड़ दिया, चलना है तो मेरे रास्ते पर चलो, जन्मदिन मनाना क्या होता है। ये व्यक्ति पूजा की एक मिसाल है, मैं इसके समर्थन में नहीं, बाबा साहब नहीं आए, मगर हम जन्मदिन तो मना रहे हैं ना उनका। बताओ झूठ, जन्मदिन मना रहे हैं ना? भारतवर्ष में नहीं, दुनिया में सबसे ज्यादा जन्मदिन बाबा साहब के मन रहे हैं ना। वो उनकी महानता थी, मगर हम उनके प्रति कृतज्ञ हैं कि यदि हम पर वो अपनी प्रज्ञा बल से हम पर कृपा ना करते तो आज हमारे बदन पर ये सुंदर कपड़े ना आते, ये सुंदर सुंदर बुद्ध विहार हमें नसीब ना होते। इसलिए हम उनका जन्मदिन मनाते हैं। बाबा साहब ने जो कहा था, बाबा साहब ने दो बातें कही हैं, बच्चों ध्यान से सुनना। यद्यपि भगवान बुद्ध ने ये बातें भिक्कुओं के लिए कही थी, भिक्कुओं के पास तो अब अकल का अकाल है, बहुत थोड़े भिक्कु उंगलियों पर गिनने लायक हैं जिनको हम भिक्कू कह सकते हैं, उन्हें मैं जानता हूं। तो भगवान बुद्ध से प्रेरित होकर बाबा साहब ने अपने अनुयायियों को कहा था, जीवन में दो चीज याद रखना, एक तो विद्वान बनना, दूसरे चरित्रवान बनना। क्या कहा? एक तो विद्वान बनना और दूसरे चरित्रवान बनना। बाबा साहब विद्वान ना होते तो अंग्रेजों की पंचायत में इंग्लैंड में जाकर उनके हाथों से अधिकार छीन के ना लाते और भारतवर्ष के सबसे शक्तिशाली नेता गांधी को जमीन ना चटा पाते। ये होता है विद्वता। और आज बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का जितना साहित्य मौजूद है, गांधी का तो नकली साहित्य उनके चेलों ने बनाया हुआ है, नेहरू का तो नकली साहित्य है सरकारी लेखकों ने लिखा हुआ है, मगर बाबा साहब का साहित्य बाबा साहब ने अपनी कलम से लिखा है। बाबा साहब ईमानदार थे, गांधी नेहरू बेईमान थे, ये दोनों भी बैरिस्टर थे, मगर संविधान क्यों नहीं बना पाए? क्योंकि नकल करके पास हुए थे, पैसे दे के पास हुए थे, बाबा साहब पढ़ के पास हुए थे। तो ये विद्वता की बात हुई। और सुन लो बाबा साहब के चरित्र की बात। बाबा साहब की धर्म पत्नी का देहांत, पूज्य माता रमाबाई का देहांत 27 मई 1935 को हुआ और बाबा साहब टूट गए। बाबा साहब टूट गए, कमरे में बंद हो गए, कई दिन तक बाहर नहीं निकले।
उनके अनुयायियों ने, उनके सिपहसालारों ने समझाया, बाबा साहब आपके बगैर बात पड़ेगी नहीं, खोलो दरवाजा। दरवाजा खोला तो हुआ ये कि उनके सर में दर्द रहने लगा, भयंकर दर्द। उनकी माँ थी भीमाबाई, उनको भी भयंकर सर का दर्द रहता था और उसी दर्द में वो भी चल बसी। तो बाबा साहब को लगा तेरा भी समय आ गया, अब तू भी रमाबाई के पास जाएगा। उनके सर में फोड़े निकल आए, उनके सर में फोड़े निकल आए, अब क्या करें, इस डॉक्टर के पास, उस डॉक्टर के पास। बाद में फिर किसी ने बताया कि लोनावला, पुणे और बम्बई के बीच में एक हिल स्टेशन है, लोनावला में कैवल्यम धाम है, एक आयुर्वेद का अस्पताल, वहां जाओ और अपना इलाज कराओ। बाबा साहब वहां चले गए और जाने के बाद वहां उन्होंने अपना इलाज कराया। और इलाज कराने के बाद एक दिन बाबा साहब जब अपने घर आ गए तो उन्होंने भगवा वस्त्र पहन लिए और विवेकानंद जैसी पगड़ी भी लोगों ने उनको पहना दी, उसके फोटो भी मौजूद है, पगड़ी वाला नहीं है, बगैर पगड़ी वाले मौजूद हैं। उन्हें विरक्ति हो गई, संसार चक्र से मुक्त होने का निर्णय ले लिया। लोगों ने उनको समझाया, बाबा साहब ने उसको फिर अपने निर्णय को बदला। जब वो बाबा साहब बिस्किट खा खा के, डबल रोटी खा खा के अपने दिन बिताते थे तो दादा साहब गायकवाड़ जो उनके राजनीतिक सिपहसालार थे, उन्होंने कहा कि बाबा साहब घर बसा लो। कहना नहीं मैं घर नहीं बसा सकता। नहीं, वो कहने लगे कोई घर में नर्स रख लो। कहना नहीं मैं नर्स नहीं रख सकता, मैं घर में कोई महिला रखूंगा, कोई बाई रखूंगा तो ये कांग्रेसी मुझे बदनाम कर देंगे और बदनाम लीडर कभी अपनी कौम का भला कर नहीं सकता। तो उन्होंने कहा अगर ऐसी बात है तो मेरी साली है शांताबाई, उसका नाम है, उससे शादी कर लो, पढ़ी लिखी भी है। कहले मुझको क्या बोलती है? कहले आपको बाबा साहब बोलती है। कहले तो मुझको क्या ब्रह्मा समझा है? समझे ब्रह्मा का मतलब? ब्रह्मा का मतलब जिसने अपनी पुत्री से संतान पैदा की। बाबा साहब ने कहा यह हमारा चरित्र नहीं है, जो बच्ची जो महिला मुझको बाबा कहे और मैं उसको पत्नी बना लूं। तो बाबा साहब चरित्र का इतना ध्यान रखते थे। बाबा साहब को पता चला कि कोल्हापुर के महाराजा के परिवार में एक व्यक्ति इंग्लैंड की एक मैम को ले आया है, सोनलाल शास्त्री के 25 वर्ष का संदर्भ, और वहां उसके लाने के बाद परिवार में कलेश हो गया। बाबा साहब को बुलाया गया, बाबा साहब उस परिवार के प्रति कृतज्ञ थे, शाहू जी महाराज का एहसान मानते थे और उनके हर विपत्ति के समय में वहां पहुंचते थे, उसको हल करते थे। उस समय भी गए, उनके सामने कलेश आया, उन्होंने कहा कलेश दूर हो जाएगा तुम एक काम करो। उन्होंने महाराजा के वंशज को बोला इसके साथ शादी कर लो, बाकी मैं देख लूंगा। उसने शादी कर ली और वो जो महिला थी बाबा साहब से बड़ी प्रसन्न हुई और वो अपना घर बस गया, रहने लगी। कई साल के बाद बाबा साहब बोलते हैं कि वो महिला आधी रात को राजगृह बाबा साहब के घर में आ गई और दरवाजा खटखटाया। बाबा साहब ने कहा कि इस समय तो कभी कोई आया नहीं, ये कौन आया? दरवाजा खोला तो वो अंग्रेजी मैम, अंग्रेज औरत खड़ी हुई है। उसने कहा कि आई एम सरप्राइज टू सी यू हेयर, मैं तुम्हें यहाँ देखकर बड़े अचरज में हूँ, व्हाट हैपन टू यू, तुम्हारे साथ क्या हुआ? कहले नो लीव एवरीथिंग, अल्टीमेटली आई लव यू, यू आर माई डार्लिंग, मैं तुमको मोहब्बत करती हूँ, तुम मेरे प्राण प्रिय हो, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी। बाबा साहब ने लिखा कि जैसे तैसे मैंने उस आफत से पीछा छुड़ाया और वो उनको अपने घर से खदेड़ दिया। बाबा साहब जब 10वीं में पढ़ते थे, ये चरित्र निर्माण बाबा साहब जो हमें करना सिखा गए हैं उसके कुछ उदाहरण दे रहा हूँ। जब वो 10वीं में पढ़ते थे, कई लोग एक साथ एक कमरे में रहकर कई विद्यार्थी पढ़ते थे। एक दिन एक महिला अपने शोहर से लड़के आ गई और पटरी पर बैठी थी और एक उनका मन चला साथी और गया उस औरत के पास और उसे बहला के फुसला के ले आया और उसके साथ कई लड़कों ने मुंह काला किया। बाबा साहब के पास भी आए, बाबा साहब ने उनको लताड़ दिया, गए नहीं। ये मेरे बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का चरित्र था। जब सविता अम्बेडकर से शादी हो रही थी
उनके साथ पत्राचार हुआ है, हमने छापा है, पढ़ने वाले पढ़ सकते हैं। उसमें उन्होंने लिखा था, सविता अंबेडकर को लिखा था, देख मुझसे अगर नेहरू और गांधी डरते हैं तो इसलिए नहीं कि मेरे पास बहुत सारी डिग्रियां हैं, वो अगर मुझसे डरते हैं, वो अगर मुझसे थर थर कांपते हैं तो वो इसलिए कि मैं उनके मुकाबले चरित्र में बहुत अधिक ऊंचा हूं। तो साथियों, बाबा साहब के बारे में जो लोग जानते नहीं वो आज दीपदानोत्सव महोत्सव के विरोध में मैदान में उतर आए हैं। मेरा उनसे कहना है कि भैया पहले बाबा साहब जैसे चरित्रवान बनो। दिन में नमो बुद्धाय, रात को दारू का अध्याय और कार्तिक के महीने में दीपदानोत्सव का विरोध, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। पहले चरित्रवान बनो, विद्वान बनो। ना आप इतिहासकार हैं, ना आप पुराविद हैं, ना आप आर्कियोलॉजिस्ट हैं, खाली समाज के नव निर्माण में अंग लगाने को आप अगर अपनी उपलब्धि मानते हैं तो हमने ऐसे मुर्दे विचार वाले लोगों को समुद्र के किनारे भी आते हुए देखा है। समाज उनका बहिष्कार करती है, मुर्दा कभी भी पानी में टिकता नहीं साहब, किनारे लग जाता है। तो इसलिए आज एक इतिहासकार हुए हैं जिसे नहीं पता था कि आगे आने वाले समय में समता बुद्ध विहार में क्या होगा, आगे आने वाले समय में संघ परिवार भी बनेगा, उसके पैरोकार क्या करेंगे उनको नहीं पता था। मगर 1000 ईस्वी में ईसा मसीह के 1000 साल बाद जब मुसलमानों का आगमन हुआ, मुसलमानों का आगमन मौर्यों के समय में नहीं हुआ, शाक्यों के समय में नहीं हुआ, मौर्य सम्राटों के समय में तो जो हमलावर आते थे हमारी सीमा पर आते थे और वहीं से घबराकर उनका पजामा गीला हो जाता था और भाग जाते थे। मगर जब इन्होंने हमारे अंतिम सम्राट बृहद्रथ मौर्य की हत्या कर दी और ये नालायक इस देश को सुशासन दे नहीं पाए तो इस देश में अराजकता फैल गई, अराजकता फैल गई तो भारतवर्ष की सीमाओं पर रहने वाले मुल्कों के मुंह में पानी आया कि आओ चलो इन जाति पीड़ित लोगों के देश पर कब्जा करते हैं। उन्होंने कब्जे करने आरम्भ कर दिए। 1000 ईस्वी में अलबरूनी आया, मुसलमान हमलावरों के साथ आया, वो इतिहासकार था। भारतवर्ष में तो इतिहास लिखने की कभी परंपरा नहीं रही। पिपलाइन जी ने लिखा है कि जो भाट होते थे, भाट समझती हो ना, खाली महाराजाओं की तारीफ ही करते रहना, उन भाटों ने जो कुछ भी अपने राजाओं की प्रशंसा की इन्होंने उसी को इतिहास मान लिया। मगर वो पहला इतिहासकार था अल बरूनी, उसने लिखा है एक ग्रंथ अल बरूनी का भारत। ये अल बरूनी का भारत ग्रंथ है और इस ग्रंथ को जो और लोगों ने छापा है, अल बरूनी का भारत, ये भी मैं लेके आया हूं, इसलिए लाया हूं किसी को शंका होगा तो देख लेगा ये अल बरूनी का भारत क्या कहता है, जरा इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। एक कोई भी उपासक आ जाए ये हिंदी पढ़ लें, नहीं तो कहेंगे इनकी मिली भगत थी। आओ भाई जरा ये पढ़ दो, हाँ यहां से कार्तिक की एक ली या अमावस्या का दिन जब सूर्य तुला राशि में जाता है, दिवाली फैलाती है, तब लोग स्नान करते हैं, अमोद के वस्त्र पहनते हैं, एक दूसरे को पान और सुपारी उपहार देते हैं, वे सवार होकर दान देने के लिए मंदिरों को जाते हैं और दोपहर तक एक दूसरे के साथ हर्ष से खेलते हैं, रात को वे प्रत्येक स्थान में बहुत बड़ी संख्या में दीपक जलाते हैं जिससे वायु पूर्ण रूप से निर्मल हो जाती है। इस पर्व का कारण यह है कि वासुदेव की स्त्री लक्ष्मी विरोचन के पुत्र बलि को जो सातवें पाताल में बंदी है वर्ष में एक बार बंधन मुक्त करती है, संसार में जाने की आज्ञा देती है। इसलिए यह त्योहार बलि राज्य अर्थात बलि का आधिपत्य कहलाता है। हिंदू कहते हैं कृत युग में यह समय सौभाग्य का समय था और वह प्रसन्न होते थे।
क्योंकि प्रस्तुत उत्सव का दिन कृष्ण रूप के उस समय के सदर्श है। उसी मास में जब पूर्णचंद निर्दोष हो वे कृष्ण पक्ष के सभी दिन अपनी स्त्रियों को सिंगारते और जेवरात देते हैं। इंद्री मार्ग शीर्ष बस 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 हो गया भाई, ये किताब आप भी देख सकते हैं, बाद में भी देख सकते हैं। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि 1000 ईस्वी में यानी कि अब से 1800 साल पहले, ऐसे ही है ना, 1800 बनते हैं ना, 1800 है ना, तो 800 हो गए ना, ठीक है 2018 है ना, तो 1800 हो गए। 18 साल पहले जो अलबरूनी आया, जो हमारा रिश्तेदार नहीं था, हमारे मिशन का भी आदमी नहीं था, तो वो जब आया तो उसने जो इसमें लिखा है, तो कहीं इसमें आपने राम का नाम सुना? जोर से बोलो ना। नहीं सुना। कहीं सीता का सुना? नहीं। कहीं रावण का सुना? कहीं अयोध्या का सुना? कहीं बम पटाखे का सुना? तो क्या समझ में नहीं आया? समझ में आने की बात यह है कि सन 1000 तक इस दिन से जुड़ा हुआ सम्राट अशोक का इतिहास इस देश की कुत्सित मानसिकता के प्रतिक्रांतिकारियों ने विलुप्त कर दिया। अलबरूनी के समय तक सम्राट अशोक का इतिहास पलीता लगा दिया, मगर उससे एक सत्य यह भी परिलक्षित होता है कि 1000 तक इस दिन के साथ राम का और सीता का अयोध्या आगमन का कोई इतिहास इल्ले नहीं जुड़ा हुआ, सिद्ध हो गया ना। तो ये हमारे घर की कहानी नहीं है भाई। लोग कहते हैं बाबा साहब ने दिवाली नहीं बनाई, अरे तो भैया एक काम करो, घर में जाके सबसे पहले अपने सारे मोबाइल बार फेंक के आओ, क्योंकि बाबा साहब ने मोबाइल का इस्तेमाल नहीं किया। गलत कह रही हूं, अपने घर में जाओ और कंप्यूटरों में लात मारो, क्योंकि बाबा साहब ने तो कंप्यूटर कभी इस्तेमाल किया नहीं। क्या बच्चे पने की बात है, कह रहे जी दिवाली बौद्ध देश मनी मनती, ये सारे बौद्ध देशों का ज्ञान रखते हैं, इंडिया का ज्ञान है नहीं, इंडिया का ज्ञान है नहीं, दुनिया की बात करते हैं। श्रीलंका का सबसे बड़ा त्यौहार संगमित्रा द्वारा रोपा गया बोधि वृक्ष जो बोध गया से लेके गई थी और उसके जीवन की त्याग की परिकाष्ठा का प्रमाण है वो श्रीलंका का बहुत बड़ा त्यौहार है। क्या वो त्यौहार यहां मनता है? नहीं मनता ना। अभी अभी थाईलैंड के भिक्कू दीपक जला करके आज के दिन वो दीप दानोत्सव की तैयारी कर रहे हैं, जिसे देखना हो तो मेरी फेसबुक पर देख लो, मैंने उसको फॉरवर्ड भी किया है। अरे आप आइए हमारे साथ तर्क कीजिए, और एक खुशी की बात यह है कि आज ये जो उपस्थिति है पिछली उपस्थिति से दुगनी है, ये आपके विचार के प्रसार का प्रमाण है। इस विचार के समर्थन में अब मामूली लोग नहीं, एक बहुत बड़े विद्वान जो पुराविद हैं, पुराविद कहते हैं आर्कोलॉजिस्ट को, जो प्राचीन इतिहास के खुदाई वगैरह के विशेषज्ञ होते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, भाषाविद हैं, इतिहासकार हैं। मैंने पिछले कार्यक्रम में भी उन्हें बड़े सम्मान के साथ याद किया था। उनका नाम है हम सबके आदर के योग प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह, सहसाराम बिहार में रहते हैं। आज उन्होंने अपनी पोस्ट डाल करके साबित कर दिया है कि दिवाली का जो नाम लेकर हमें बदनाम कर रहे हैं, हम दिवाली नहीं मनाते। वो क्या कहते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसका दिवाली से कोई मतलब नहीं, ये हमारा ओरिजिनल त्यौहार दीप दानोत्सव है, इसे हम मनाएंगे, कोई मनाए या ना मनाए कोई जबरदस्ती नहीं है। मगर जो लोग ये कहते हैं कि भैया जिसे दिवाली मनानी हो वो दीप दानोत्सव के नाम से मना ले, कितना बड़ा चरित्र हनन है, हम दीप दानोत्सव मना रहे हैं, यहां क्या लक्ष्मी रखी है, यहां क्या गणेश रखा है, यहां क्या राम है, यहां क्या अयोध्या है, यहां क्या आरएसएस है,
यहाँ क्या ब्राह्मण बैठा है? नहीं, ये एक तरीका है अपनी बात को ऊपर रखने के लिए, चाहे किसी का कितना भी अपमान हो। और क्या कहते हैं, और क्या कहते हैं, और ये कहते हैं कि हमारी दिवाली हमारी होली तो 14 अप्रैल। अरे कौन मना कर रहा है, 14 अप्रैल तो यूं कहो ना हमारा सबसे बड़ा पर्व, उसे दिवाली मत कहो, दिवाली तो हमने रद्द कर दी, उसे होली भी मत कहो, होली तो हमारे समाज की सबसे गौरवशाली महिला, पता नहीं वो हमारी नानी थी या दादी थी या महाबुआ थी, होलिका का बलिदान दिवस है, उसे त्योहार मत कहो, उसे पर्व मत कहो, उसे बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की 14 अप्रैल से जोड़ने का पाप मत करो। इसलिए आज ये सर्वसत्य सिद्ध है कि एक आंदोलन अगर चलना है तो वो एक घटक से नहीं चलेगा, उसमें भाषण भी जरूरी है, उसमें गायन भी जरूरी है, उसमें संगीत भी जरूरी है, उसमें दर्शन भी जरूरी है, उसमें भाषा भी जरूरी है, उसमें मनोविज्ञान भी जरूरी है, उसमें विज्ञान भी जरूरी है, उसमें इंजीनियरिंग भी जरूरी है, उसमें दारा सिंह भी जरूरी है, उसमें लता मंगेशकर भी जरूरी है, सब चीजों को मिला के आंदोलन बनता है। मैं गाना गाता हूँ, अगर कोई गाना ना गाए ये अम्बेडकर विरोधी, ये प्रथा बंद होनी चाहिए। हमको बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के आंदोलन को सारी दुनिया में फैलाना है, तो इसलिए सर्वांगीण विकास करने के रास्ते पर निकले हैं। और अभी तो बाबा साहब ने कहा था ना पंडरपुर के बारे में कि मैं साबित कर दूंगा कि पुराना बुद्ध विहार है, बाबा साहब उसको साबित नहीं कर पाए, करो ना उसको साबित, तुम भी तो अंबेडकर अनुयायी हो, अरे फालतू बात करते हो और बाबा साहब की विरासत को बढ़ाने के नाम पर अपना आलस दिखाते हो। आज शांति स्वरूप बोध कहता है, आप सबके सामने कहता है, बाबा साहेब का इरादा बिल्कुल ठीक था, हम उनकी बात से सहमत हैं, पंडरपुर जो जिसमें जो मूर्ति है वो विठोबा की मूर्ति है, उसका बड़ा महाराष्ट्र का बड़ा ऊंचा तीर्थ स्थल मानते हैं वो लोग, उन्होंने कहा यह बुद्ध मंदिर है, बाबा साहब नहीं कर पाए उस किताब का रचना, मेरा बाप उस किताब की रचना नहीं कर पाया मेरा बाबा साहब, मगर सम्यक प्रकाशन के लेखक उस काम को पूरा करेंगे और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचार को आगे बढ़ाएंगे। तो ये आंदोलन खाली बातों से नहीं चलेगा, ये जो आलोचनाओं का क्या होता है, हमारे मधुकर पिपलाइन जी मेरे पिता तुल्य हैं और मैं इनका कितना आदर करता हूँ शब्दों में व्यक्त नहीं हो सकता, ये जानते हैं जो बात मैं बता रहा हूँ। अंबेडकर भवन पर बड़ा गंदा माहौल शुरू से था, कोई पढ़ा लिखा अफसर, बहुत बड़ा अफसर, उसे समाज के प्रति दायित्व बोध हुआ तो उसने कहा चलो अंबेडकर भवन पर जाते हैं और वी शुड रेंडर अवर सर्विसेज, अपनी सेवाएं हम देते हैं। वो बेचारा आया, एक मीटिंग में आया, दो में आया, तीन में आया, जो पुराने लोग थे उनके पेट का पानी हिलने लगा। क्यों हिलने लगा? कहने यार ये तो बहुत बड़ा आदमी है, सब लोग इसी की बात सुनते हैं, हमारे तरफ तो कोई ध्यान ही नहीं देता, और ये यहाँ टिक गया तो हमें तो कोई पूछेगा नहीं। तो फिर क्या उन्होंने आविष्कार किया, कहले साले को दो गाली चटकाओ भाग जाएगा, ये तो मोम के बाबू हैं, ये ना टिकने वाले हैं। और वही हुआ, उन्होंने उनके साथ बदतमीजी की, उन्होंने अंबेडकर भवन जाना बंद कर दिया। जो उनकी सेवाओं का लाभ हमारे आंदोलन को मिलना चाहिए था नहीं मिला, मगर आज ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि उस व्यक्ति ने हथियार नहीं डाले, अपने घर जाकर साहित्य के क्षेत्र में इतना बड़ा नाम पैदा किया कि आज डीसी अहिर जी की किताबें दुनिया के प्रत्येक विश्वविद्यालय में, दुनिया के प्रत्येक बड़े पुस्तकालय में मिलेंगी। और आज तो उनके ऊपर न मालूम कितने बुद्धिस्ट कंट्रीज में रिसर्च हो रही हैं। तो ये समाज का जो वातावरण संभालो, ये जो बात बात पर फुदकना, बात बात पर एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए प्रयास करना, इसी से मिशन टूट रहा है। बाबा साहब का जो मोमेंट आज इसी चीज में फंसा हुआ है। 14 अप्रैल को मनाएंगे हम तो अक्टूबर में, हम दशहरे को ना मनाएं। दूसरा कह रहा हम तो दशहरे को मनाएंगे 14 अक्टूबर में ना मनाएं। अबे क्या बीमारी है तुझे, 14 अक्टूबर को मनानी है तो 14 अक्टूबर को मना, दशहरे का विरोध क्यों करता है?
तुझे दशहरे को मनानी है, दशहरे को मना, 14 अक्टूबर का तू विरोध क्यों करता? और तुम्हें ज्यादा तुम्हारे पास अगर भावना है मिशन के प्रति तो 14 अप्रैल से दशहरे के दिन तक रोज मनाओ कार्यक्रम, मगर निगेटिव चीज छोड़िए, निगेटिव चीज छोड़िए। इसलिए मैंने ये समाज बनाने के लिए एक त्याग किया, वो ये त्याग किया कि मैं कभी भी कहीं पद पे नहीं आऊँगा। यहाँ के लोग तो जानते हैं मैं यहाँ जो आपके सामने बक बक कर रहा हूँ बगैर पद के कर रहा हूँ, और ये जो नक्शा बदल रहा है ना समता बुद्ध विहार का, सारी दुनिया में चर्चा है, आपको पता हो या ना पता हो। ये जो मैं तो उस माँ को धन्यवाद देना चाहूँगा जिसने इस सुधीर भास्कर को जन्म दिया, क्यों कि इन्होंने मात्र इतने से इशारा करते ही अपने गाढ़े खून पसीने की कमाई के 2 लाख रुपए लगा करके अपने आंदोलन की शान बनाने के लिए सम्राट अशोक का 4 शेरों वाला स्तंभ खड़ा कर दिया। और दूसरा, मैं इस समता बुद्ध विहार प्रबंधक संघ के उस समर्पित कार्यकर्ताओं के लिए भी नमन करता हूं कि जिन्होंने सुधीर भास्कर से प्रेरणा लेकर अपने धन से, अपने मेहनत की कमाई से दूसरा स्तंभ खड़ा कर दिया। और साथियों, तीसरा स्तंभ समता बुद्ध विहार अपने दानदाताओं के बल पर यहाँ पर लगाने वाला है। एक नया इतिहास बन रहा है, एक नया इतिहास बन रहा है। इस बुद्ध विहार के जितने कार्यकर्ता हैं, जितना इनमें आपस में प्रेम है, जितना इनमें आपस में एक दूसरे की मदद करने की, बुद्ध विहार की ख्याति में 4 चांद लगाने की होड़ लगी रहती है, आओ दुनिया के दूसरे झगड़ने वाले संगठनों इनसे कुछ सीख लो, इनसे कुछ सीख लो प्रेम कैसे होता है। जहां प्रेम होता है वहां संगठन होता है, और वहां का संगठन खूब आगे बढ़ता है। एक चौथा धम्म स्तंभ भी यहां लगना है। जो बुद्ध विहार बना रहा है वो 4 घोड़े वाला है, और जो एक और लगना है, जो सम्यक प्रकाशन लगाएगा वो 4 बैल वाला है। 4 बैल का, बैल का स्तंभ देखा किसी ने? नहीं देखा तो भैया सुन लो, कल ही जाओ, राष्ट्रपति भवन के गेट पर रखा हुआ है, राष्ट्रपति भवन के गेट पर बैल का स्तंभ का शीर्ष रखा हुआ है, वो यहां लगने वाला है। तो आज आपको चलते चलते ये भी बता दें कि ये दीपक है क्या, दीपक है क्या? दीपक बौद्धों का आविष्कार है, नोट कर लो, बड़ा काम आएगा। जिले सिंह जी, ये बौद्धों की उपलब्धि है, बौद्धों की विरासत है, बौद्धों का आविष्कार है, बौद्धों का पेटेंट है। वेदों में जो 4 वेद हैं, अथर्व वेद का अनुवादक लिखता है, गोपाल शरण शर्मा लिखता है अपनी भूमिका में कि मैंने पूरे वेदों का अनुवाद किया, मगर मुझे एक चीज पर बड़ा आश्चर्य है कि इन ग्रंथों में कहीं भी वैकल्पिक प्रकाश का वर्णन नहीं है। वैकल्पिक प्रकाश होता है मानव निर्मित प्रकाश, यानी कि लालटेन है, कुप्पी है, मोमबत्ती है, दिया है, ये सब वैकल्पिक मानव निर्मित प्रकाश है, उसका कहीं वर्णन नहीं है। अरे दीपक का पूरे मानव जाति के इतिहास में अगर पहली बार वर्णन आता है तो भगवान बुद्ध के मुखारविंद से आता है, जब भगवान बुद्ध कहते हैं अत्त दीपो भव। आज दीपक का उदाहरण बहुत उत्साह करता है। दीपक में 3 चीजें होती हैं। एक मिट्टी का दीपक बर्तन होता है जिसको दीपक कहते हैं, वो पीतल का भी हो सकता है, सोने चांदी का भी होता है, उसमें कुछ तेल होता है, वो तेल कोई भी हो सकता है, चर्बी भी हो सकती है। उसमें एक बाती होती है, और जब बाती को जलाते हैं और रोशनी आ जाती है तो क्या कहते हैं? दिया जल रहा है, कहते हैं या नहीं कहते हैं? या ये कहते हैं कि वो सफेद दाढ़ी वाला जल रहा है, कहते हैं ना।
अरे सब कहते हैं दिया जल रहा है, ना बत्ती को परेशानी होती ना दिए को परेशानी होती, और वो दुनिया के अंधेरे को फाड़ने के काम में लगा ही रहता है। हमारे यहाँ मैं कर रहा हूँ मैं मेरे बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का आंदोलन क्या पिछड़ गया, ये 144 खंबे की पार्लियामेंट हमसे दूर हो गई। जिस दिन हमारी ये मैं खत्म हो जाएगी, त्याग करना सीख जाएंगे, अपने में से एक दूसरे को सहन करना सीख जाएंगे, उस दिन शासक बनते हमें देर नहीं लगेगी। ये बात आज मैंने इसलिए कही है कि अब 2018 के दरवाजे पर 2019 आ गया है। 19 को अगर आपको अनुकूल करना है ना, आप अपने सारे मतभेद बुला के, सारी तुनक मिजाजी छोड़ के, खाली एक काम करना, अपने आंदोलन के प्रति समर्पित होकर, ईमानदार होकर, खुद भी अपना सहयोग, अपनी संस्कृति को, अपनी आइडियोलॉजी को, अपनी राजनीति को सफल बनाने में लगाना, और जो आपके परिचित हैं, रिश्तेदार हैं, पड़ोसी हैं, जानकार हैं, उन सबको भी कन्विंस करना, प्यार से कन्विंस करना, और आने वाले भारत का भविष्य नीला होगा, इस आकाश के रंग का होगा। ये हमारे इस आंदोलन का लब्बो लुभाव है। किसी को कोई संदेह हो तो भाई अब बात कर लेना, बहुत सारी किताबें लाए हूँ, सारी तो मैंने दिखाई भी नहीं है, नहीं तो लोग कहेंगे बड़ा ढोंग कर रहा है, इसलिए मैंने खुद नहीं पढ़ी। लोग पता क्या कह देते जिले सिंह, अबे वो तो पढ़ रहा था, किताब में थोड़ी लिखा था, तो इसलिए मैंने नहीं पढ़ा। आपके पास बहुत खजाना है अपनी विरासत को जिंदा करने के लिए, बस खाली मेरे साथ कुछ युवक लग जाओ। अभी कुछ युवक मिले हैं, भाई प्रफुल्ल गढ़पाल हैं, बालाघाट के, मध्य प्रदेश के हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कदम से कदम मिला करके, और हमारी उम्मीदों से ज़्यादा अपनी काबिलियत दिखा करके इस आंदोलन को, बुद्ध का आंदोलन, बाबा ब्राह्मी लिपि जिसको कहते हैं, वो तो धम्म लिपि है, उसका आंदोलन लेकर के चल रहे हैं। अभी सुधीर राज जी आपने देखा है, यहाँ विकासपुरी में रहते हैं, यहाँ भी आते हैं सुधीर राज सिंह जी, वो बड़ी तेज़ी से भाषा को लेकर, अपने सारे उत्सवों को लेकर, अपनी परिभाषाओं को लेकर मैदान में उतरे हुए हैं, बड़ी तेज़ी से आगे चल रहे हैं। बहुत सारे युवक आए हैं, और संगीत के क्षेत्र में, गायन के क्षेत्र में जो नाम, जो बुलंदी मेरी बिटिया तरन्नुम ने और मेरे बेटे हेमंत ने कायम की है, सब लोगों को उससे कुछ सीखना चाहिए। और मेरा किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं है, मगर इनों का मैंने देखा है, ये जो मेरी बिटिया है ना तरन्नुम, उसके बाप को एक आदत थी कि इसको छोटी सी को लेके गोदी में ही आते थे ये दोनों मियाँ बीबी। एक दिन मेरा सोफा ही गीला कर दिया इस लड़की ने, तो वो सोफा गीला कर दिया, वो दिन इनके गीत में ताकत पैदा होगी कि एक दिन इनका गीत सुन के इस सफेद दाढ़ी वाले की आंखें गीली होंगी, समझ गए ना। तो ये है, ऐसे ही हमारा ये हेमंत है, और भी कलाकार लगे हैं, वो कलाकार भी मुझे बड़े प्रिय हैं, बड़े अच्छे हैं, सही दिशा में चलेंगे, निगेटिविटी के बगैर चलेंगे तो इस भारतवर्ष के, अपने समाज के गगन में छाएंगे, तारा बन के, ध्रुव का तारा बन के छाएंगे, और वो छाना चाहिए, ऐसी मेरी कामना है। और मैं समता बुद्ध विहार के करिश्माई अध्यक्ष आदरणीय राजपाल जी और हमारे सेक्रेटरी साहब, हमारे उप प्रधान जी गोवर्धन जी, हमारे कार्यकारिणी के सारे सदस्य ये धन्यवाद के पात्र हैं कि जैसे पिपलाइन जी ने कहा कि ये एक त्यौहार की बात नहीं है, ये एक आंदोलन है, इस आंदोलन को आप लेकर चल रहे हैं। एमपी सिंह जी हमेशा बेशक टेबल पीट पीट के कहते हैं, मगर बात सही कहते हैं, उन्होंने भी जो आज यहाँ आकर के उत्साह बढ़ाया वो भी धन्यवाद के पात्र हैं, और आप सब तो धन्यवाद के पात्र हैं ही। अब बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के, जैसे हम देवदानोत्सव को बचा रहे हैं, ऐसे बाबा साहब के संविधान को बचाना है। बाबा साहब का संविधान खतरे में है, इस देश में लोग समझते नहीं हैं, डिक्टेटरशिप चल रही है, पूरी कार्यकारिणी एक तरफ, एक ही आदमी, फॉरेन मिनिस्टर भी, मिनिस्ट्री भी, फाइनेंस भी, गृह, सारे काम वो एक ही आदमी देख रहा है। ये वन मैन गवर्नमेंट लाने की रिहर्सल हो रही है, आप देख रहे हो ना, पटेल की मूर्ति का उद्घाटन करने गया, कोई कार्यकारिणी नहीं, कोई मंत्रिमंडल नहीं, कोई अधिकारी नहीं, वही अकेला एक पजामा पहन के मूर्ति पर चढ़ गया, क्या है ये,
संविधान के लिए एक चुनौती है। तो इसलिए हमने संविधान बचाने के लिए और संविधान विरोधियों को टक्कर देने के लिए संविधान दिवस होता है 26 नवंबर को, मगर उससे एक दिन पहले संडे है, उस संडे का लाभ उठाते हुए हमने भारतवर्ष के युवा वर्ग का आह्वान किया है कि आप आओ 25 तारीख को सुबह 10 बजे दिल्ली के अंबेडकर भवन पर आप आइए, हम वहां से इकट्ठा होकर लामबंद होकर और वहां से पार्लियामेंट तक मार्च निकालेंगे और सरकार से कहेंगे कि इस संविधान की ना केवल आपको रक्षा करनी है बल्कि पूरे रूप से संविधान को लागू करना है। संविधान लागू होगा तो आरक्षण बचेगा, संविधान लागू होगा तो हमारे बच्चों को शिक्षा मिलेगी, संविधान लागू होगा तो हमारा भविष्य सुरक्षित होगा, नहीं तो हमारे घरों में वो ही अंधेरा लाने की तैयारी चल रही है जो अभी हमारे दादा परदादाओं के समय में होता था। अब भैया पहले भी मैं आपसे हाथ उठवा चुका हूँ, जरा एक बार और बता दो, 25 तारीख को दिन संडे है, यही महीना है, नवंबर का सुबह 10 बजे अंबेडकर भवन पर कौन कौन आएगा? वाह जी वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, और ये भी बता दो, ये देखो हैंडबिल है, ये भी बता दो कि ईमानदारी से कौन कौन आएगा? अरे वाह रे, वो तो सारे ईमानदार हैं, हमारी बहना ना आएंगी, बहना ना आएंगी, बहना ना उठा रही हाथ, ये बहना ना उठा रही। अच्छा, अब ये भी बता दो अपने साथ औरों को ले लेके कौन आएगा? वाह भाई वाह, आप सबका धन्यवाद और बिना विवाद मेहरबानी, सबको जय भीम और नमो बुद्धस। किसी को हैंड बिल चाहिए तो वो ले सकता है। यूथ फॉर बुद्धिस्ट इंडिया की ओर से ये कार्यक्रम है, उसके कार्यकारिणी भी यहाँ मौजूद है, हमेशा मौजूद रहती है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।